व्यूअर्स, बहुत बहुत खैर मकदम है आप सबका रियल एशिया टीवी पर और कश्मीर 360 डिग्रीज पर। तो आज मेरे साथ पाकिस्तान से एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो राइटर भी हैं और एक गहरी नजर रखते हैं सकाफत पे, यानी कि कल्चरल यूनिटी पे जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस डिवाइड को खत्म करने के लिए ऐसे सेन और सेंसिबल गेस्ट को बुलाना बहुत जरूरी होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त निकालने के लिए हमारे लिए, मिस्टर अरशद महमूद साहब। जी थैंक यू वेरी मच याना जी, आपका इनवाइट करने का शुक्रिया। अरशद महमूद तो साहब, आपने दो बुक्स लिखी थी जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक तो सकाफती घुटन और दूसरी तालीम कौम और उनकी उलझने। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों बुक्स का रेफर करते हुए आप बता सकते हैं कि व्हाट इज इट अबाउट दैट यू लाइक टू राइट अबाउट? व्हाट डू यू मीन जब आप कहते हैं तालीम कौम और उनकी उलझने? यानी कि क्या आप ये बताने की कोशिश करें कि जब तालीम नहीं होती तो कौम किन उलझनों में पड़ती है? व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू से फ्रॉम दैट? जी बिल्कुल, मैंने तनीम और हमारी कौमी उलझने में ये लिखा था कि उसका मकसद ये था, जो सेंट्रल आइडिया है। देखिए, मेरे हमेशा मुखातिब जो है ना, चूंकि मैं एक मुस्लिम सोसाइटी में पैदा हुआ हूँ और एक मुस्लिम रियासत में रह भी रहा हूँ, तो मैंने जो कुछ भी लिखा वो असल में मुसलमानों के लिए लिखा है। अब मसला ये था, जब मैंने ये तालीम वाली किताब लिखी तो मेरे सामने ये सवाल था, जो आपके यहाँ इंडियन साइड पे भी वो एप्लीकेबल है, वो ये कि मुसलमान जो हैं नॉर्मली बहुत अगर बहुत पढ़ लिख भी जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, पीएचडी कर लें, बाहर से जाके यूरोप अमेरिका से पढ़कर चले आएं, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि मुसलमान पढ़ा लिखा भी जो है उसका भी वर्ल्ड व्यू चेंज नहीं होता, उसकी सोच भी वही रहती है जो एक अनपढ़ मुसलमान की है या सेमी लिटरेट मुसलमान की है। तो ये मैंने एक्सप्लोर किया इस बुक में, ये मेरे लिए ये क्वेश्चन था कि ये एनलाइटनमेंट इनमें क्यों नहीं आती, ये मॉडर्न मॉडर्निटी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते पढ़ लिख कर भी। तो एक अपने एक मजहब के दायरे के अंदर जो है ना ये पड़े रहते हैं और दुनिया को उसी तरीके से देखते हैं। तो नॉट ये ओनली थी मजहब के दायरे में, सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या इस बुक में आपने इस चीज को भी टच किया है जिसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं? खास करके पाकिस्तान में ये बहुत देखा जाता है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस है लोगों को, कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आर दे डिसेंडेंट्स ऑफ टर्किश, आर दे डिसेंडेंट्स ऑफ जूस। यहाँ तक कि ये जो क्राइसिस है ये कश्मीर तक पहुंच गई है। कश्मीर में भी जो कश्मीरी मुसलमान है, कब कुछ कहते हैं कि हम जूस के लॉस्ट ट्राइब्स में से एक है। बहुत सारी ऐसी, आर दे डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स, आर दे डिसेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल एशियंस और ग्रीक्स, कुछ पता ही नहीं इनको। एंड ये चीज मिसिंग है, मतलब एक आइडेंटिटी क्राइसिस सॉर्ट ऑफ प्रिवेल करती है पाकिस्तान में, एंड इट हैज स्प्रेड टू कश्मीर, द कश्मीरी मुस्लिम सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, असल में सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम ही ये बना हुआ है मुसलमानों के लिए कि ये एक जो इन्होंने अपने आप को एक आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल रखा है, असल में ये इशू होना ही नहीं चाहिए। ये देखें, ये चीज़ें, ये जो इनकी एक नार्सिज्म है इन हम मुसलमानों का, कि हम जो है ना वो अपने मजहब को समझते हैं कि ये कोई बहुत अनोखी चीज़ है, ये बहुत कोई सुपीरियर चीज़ है, और हमारी जो शनाखत है दुनिया में वो सिर्फ एज ए मुस्लिम ही होनी चाहिए, और ये उसको असर्ट भी करते हैं। तो लेकिन हुआ ये है कि आपको पता है कि अगर कोई एक जमाना था जब दुनिया में एक मुस्लिम बहुत बड़ी कोई सल्तनतें होती थी, कोई खिलाफतें थी, तो ये जो है अभी तक हमारे कहीं ना कहीं सब कॉन्शियसनेस में इनके अंदर वो सुपीरियरिटी का एक कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है। देखिए, आज का जिस दौर में हम ये जो 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, ठीक है, ये 18वीं-19वीं सदी के बाद ये ऑल टुगेदर एक पैराडाइम शिफ्ट आ चुकी हुई है ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर। आज का दौर जो है वो मजहबी शनाहत का नहीं है,
और ना इसकी जरूरत है कि हम अपनी मेरी मैं मुसलमान हूँ, अरशद महमूद हूँ, मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, आप ही जाना जी मुस्लिम ही घर में पैदा हुई होंगी। बात यह है कि देयर इज अनफ, मैं इसको इश्तिहार लेके इस्लाम का और मुसलमानी का इश्तिहार बना के दुनिया में मुझे रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा इंसान होना काफी है। और ज्यादा से ज्यादा नेशन स्टेट्स हैं आज के दौर की, मुझे ज्यादा एक अगर हिंदुस्तान में मुसलमान है तो उसे हिंदुस्तानी मुसलमान होना चाहिए, पाकिस्तान में मुसलमान है वो एक पाकिस्तानी मुसलमान है, अब उसको इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है कि वो किसी शनाहत के क्राइसिस में पड़े, मेरा तो ये ख्याल है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, और इस सोच को ज्यादा फैलाने के लिए अगर आपने ये बुक्स लिखी हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हर किसी को ये बुक्स पढ़नी चाहिए, खास करके जिनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम महसूस होती है अपनी जिंदगी में। आपकी दूसरी बुक की अगर बात करें, सकाफती घुटन, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन टाइटल से मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि इट इज अबाउट कि किस तरह से मजहब की वजह से कल्चर जो है वो दम तोड़ देता है। इज द बुक अबाउट दैट? बिकॉज इट इज ट्रू। मैं आपको एक हैरानी वाली बात बता देती हूँ, मतलब इट माइट अम्यूज यू। क्या हुआ कि 3 साल पहले मैं लद्दाख गई थी। लद्दाख में जिस तरह से लोग ग्रीट करते हैं टूरिस्ट को, तो वो कहते थे ज्यूले, वो उनकी लैंग्वेज में होता है हेलो। अब 3 साल बाद फिर कुछ महीने पहले मैं लद्दाख गई थी, एंड यू विल नॉट बिलीव, हर कोई वहां पर अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद भी बोलती हूँ। आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन अ मुस्लिम फैमिली, मैं खुद भी बोलती हूँ। लेकिन वहां पर ऐसा लग रहा है, जब 3 साल पहले मैं गई थी, वहां की लेडीज जो हैं मुझे दिखती थी रास्तों पर, वो लद्दाखी पोशाक पहनकर घूमती थी। और अब जब मैं 3 साल बाद गई तो मैं देख रही हूँ कि सारे जो हैं सलवार कमीजों में और सर पे वो दुपट्टा रख के घूम रही हैं। तो पूरा ही एक कल्चरल शिफ्ट आ गया है लद्दाख में। अपनी कल्चर को वो पूरी तरह से भूल चुके हैं, जिस तरह से वो कॉन्ग्रिगेट होते थे, आपस में मिलते थे, फोक सॉन्ग्स गाते थे, जिस तरह के वो कपड़े पहना करते थे, जिस तरह वो ग्रीट किया करते थे लोगों को, सब खत्म हो चुका है। एंड इट इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इस्लामिक सोसाइटी। तो क्या इसको आप सकाफती घुटन कहते हैं? जी बिल्कुल एग्जैक्टली, मैं बल्कि मैं हैरान हूँ कि आपने मेरी किताब पढ़ी भी नहीं है और आप बिल्कुल सही पहुंची हैं उसका जो मेन थीसिस है उस किताब का। जी वो ये है कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फीलिंग्स मेरी थी जब ये किताब मैंने मेरे जहन में इसका आइडिया आया, वो ये था कि मुसलमान जो हैं ये इतने कंजर्वेटिव हो चुके हुए हैं और इतने ये एक महदूद दायरे में जा चुके हैं और हर जिंदगी के हर डायमेंशन को ये इस इस्लाम से और शरीयत से ये इंटरप्रेट करते हैं और उसे वैसा ही देखते हैं। तो इससे हुआ ये है कि एक कल्चरल सफोकेशन आ गई है इनके अंदर, ठीक है, ये दुनिया से कटते भी चले जा रहे हैं और जो जिंदगी के जो तकाजे हैं, जो इंसान होने के जो तकाजे हैं, जो आज के दौर के जो तकाजे हैं, ये उससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तो सकाफती घुटन जो थी मेरी, बिल्कुल ये पाकिस्तानी मुस्लिम सोसाइटी के लिए एक्चुअली ये किताब है, जो किसी भी अब इंडियन मुसलमान पे भी उसी तरह इसका इतलाक हो सकता है और मैं देख रहा हूँ कि इंडियन मुसलमान भी वो इसी रास्ते पे जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि इस तरह की किताबें लिखी जाएं। आपके यहाँ इंडिया जो रोशन ख्याल मुसलमान है आपके यहाँ, मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरत है, ये जो हिंदू मुस्लिम का कॉन्फ्लिक्ट है आपके यहाँ, जो ये इसके लिए मुसलमान जो वहाँ का दानिश्वर है जो वहाँ के, वो उनको चाहिए कि ये मुसलमानों को ये जो एक ड्रिफ्ट हो रही है जो आप बिल्कुल बता रही हैं, हमारी खुद अपनी सोसाइटी जो है पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत जो है वो उसमें ओवरडोज हो गई है मजहबी लिहाज से। जी, तो बिल्कुल। तो इस आपने आपने जिक्र किया इंडियन मुसलमानों का भी, तो अब हम थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं इंडिया की तरफ। ये जो सेक्युलर एटीट्यूड है आपका, आपकी किताबों में जो आपने खूबसूरती से दर्शाया है, इसी तरह की सेक्युलरिज्म में इंडिया भी बिलीव करता है। लेकिन आपकी मैं एक न्यूट्रल राय जानना चाहती हूँ, आपके पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ कि
आजकल जो इंडिया में हो रहा है, क्या वो भी एक पैराडाइम शिफ्ट है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि दो पहलू हैं, सच्चाई दुनिया का हक है जानने का। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राम मंदिर जो ये पूरा जो एपिसोड था इंडिया की हिस्ट्री में कि पहले बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया क्योंकि लोग क्लेम कर रहे थे कि वो रामलला का जन्म स्थान है। तो अब दुनिया जो है इट डिजर्व्स टू नो अगर सचमुच वो राम जन्म स्थान था। हर हिंदू को, हर हिंदुस्तानी को पता है कि वो राम जन्म स्थान था। तो जाहिर बात है कि ये सच्चाई को आना, बाहर आना बहुत जरूरी था। और दूसरी चीज, हिंदुइज्म एज अ कल्चर, एज अ रिलीजन, एज अ ट्रेडिशन, इसको प्रोटेक्ट करना भी एज अ हिंदुस्तानी, एज अ भारतीय, ये हम सबका फर्ज है। चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम, लेकिन अगर हम भारत में रहते हैं, ये हम सबका फर्ज। तो एक तरफ हम कहते हैं कि उस सच का बाहर आना जरूरी था, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि बड़ी तादाद में मुसलमान इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। कई जो, जैसे आपने कहा, तालीम की कमी की वजह से कई मुसलमान जो हैं वो इस चीज को सीरियसली लेते हैं कि भाई बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, मस्जिद तोड़ी गई, यानी कि ये डायरेक्ट एक अटैक हम पर है, हमारी डिग्निटी पर अटैक है। और इसकी वजह से ये होता है सर कि सिविल क्राइसिस जैसी हो जाती है कि सिविलियंस एक दूसरे को अटैक करने लगते हैं, जिनका ना बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना है, ना उस राम मंदिर से लेना देना है, लेकिन जस्ट बिकॉज एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, वो आपस में लड़ने लगते हैं। सोसाइटी में इसमें केओस आ जाता है। तो आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, कन्हैया लाल, ना ही वॉज रिलेटेड टू नुपुर शर्मा, और जिन्होंने उसको मारा, ना दे वर रिलेटेड टू नुपुर शर्मा। लेकिन ये दोनों के बीच में ये नफरत क्यों आई कि एक ने अटैक किया, दूसरा मर गया बिकॉज ऑफ नुपुर शर्मा। लेकिन एट द सेम टाइम नुपुर शर्मा को पूरा हक है कि जो उसे लगता है वो बोल सकती है। तो अब इस पूरे सिनेरियो में मैं आपको ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि सिचुएशन का क्या किया जाए। मतलब अब देखिए, अब फिर से यही हो रहा है, मथुरा में जो ईदगाह है उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे होने जा रहा है, एंड वहां के लोगों का कहना है कि कृष्ण जन्म स्थान है वो। और अब अगर वो सच है, जो हम सब भारतीयों को पता है कि वो सच है, अब उसको सामने लाना भी बहुत जरूरी। लेकिन एट द सेम टाइम एक तबका है जो इससे मायूस होता जा रहा है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, अपना ना एक तो हमें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ना, ये हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम और हिंदू कॉन्फ्लिक्ट जो है, ठीक है, ये 1000 साल की एक हिस्ट्री है कि मुसलमान जो हैं इस हिंदुस्तान में हमलावर बाहर से आए, ठीक है, वो तुर्क भी थे, वो पर्शियन भी थे, अफगान भी थे, सेंट्रल एशिया से भी आए, मंगोल भी आए, ठीक है, और उन्होंने इस्लाम के नाम पर जो है इस मुल्क पे जो है 800 साल तक उन्होंने इस पे रूल किया। और देखिए, ये इंडिया जो था, ये था तो हिंदू का, ठीक है ना, ये हिंदुस्तान है, हिंदू हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तान हिंदू से है, ठीक है, और उन्होंने ये 800 साल मुसलमानों की एक तरह से गुलामी जो है वो कबूल कर ली, या उस गुलामी में इन्होंने गुजारा, वक्त गुजारा अपना, ठीक है। अब वहां पे होता यह है कि उन मुसलमानों की वजह से जो फॉरनर थे, गैर मुल्की थे, और वह हमलावर थे, वो जो है वो उनसे वो कुछ मुसलमान साथ ले आए, और कुछ मुसलमान जो इंडिजीनियस लोग थे हिंदुस्तान के, वो शायद कन्वर्ट हो गए, ठीक है, उनमें आपके भी माँ बाप हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। अच्छा, अब ये जो 1000 साल का ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वो मास्टर रहे, ये गुलाम रहे, देखिए, और उसके बाद क्या होता है कि एक नया दौर और जमाना आता है, ठीक है, अंग्रेजी के 20वीं सदी आ जाती है, वर्ल्ड वार टू हो जाती है, और उसमें सारी दुनिया जो है वो बदल जाती है, दुनिया का अंदाजे हुक्मरानी बदल जाता है, रियासतों की जो कैफियत है वो चेंज हो जाती है, अब नेशन स्टेट्स बनती हैं, कॉलोनियलिज्म का खात्मा होता है, ठीक है, सारी दुनिया की कौमें एज ए नेशन वो उनको आजाद कर दिया जाता है। अब देखें कि फिर हमारे यहाँ पार्टीशन होती है, हम ये क्लेम करते हैं मुसलमान जो है कि वो जब ये दौर आता है जहाँ अब नो मोर इस्लामिक रूल ओवर इंडिया, ठीक है, 800 साल तो हमने मजे से गुजारा यहाँ पे हुक्मरानी की,
ठीक है। और जब यूनाइटेड और इकट्ठे रहने का वक्त आया तो हम मुसलमानों ने इंडिया में कहा कि भाई हम तो हिंदू के, हम और हिंदू दो अलग अलग नेशन है और हम इकट्ठे नहीं रह सकते। 800 साल तक या 1000 साल तक हमें ये बात याद नहीं आई कि हम तो इकट्ठे रह ही नहीं सकते, हम तो एक कौम ही नहीं है। तो जब तक हुक्मरान रहे उस वक्त तक ये सवाल को नहीं उठाया गया। अब जब बराबर रहने का वक्त आया एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के अंदर, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम के अंदर, जहां कोई खिलाफत नहीं थी, कोई बादशाहत नहीं थी, कोई डिक्टेटरशिप्स नहीं थी, अवाम की अपनी इलेक्टेड जो है रूलर्स ने, उन्होंने खुद अपना चुनना था, तो वहां हम मुसलमानों ने क्या किया कि अब इंडिया को तकसीम कर दिया। अब ये हिंदू जो हिंदुस्तानी जो हिंदू है उसके लिए एक अनदर शॉक था, सदमा था कि ये जो है 800 1000 साल से हम पे हुक्मरान तो रहे हैं, लेकिन अब बराबर की सतह पे आजादी के साथ रहने का वक्त आया है तो ये इन लोगों ने हमारा मुल्क जो है उसको तकसीम कर दी है, पार्टीशन कर दी है। फिर आपको ये भी याद होगा कि सिर्फ पार्टीशन हो जाती एक नेगोशिएशन के जरिए तो तब भी ठीक था, ठीक है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बेहद एक इंसानी ह्यूमन तारीख की बहुत बड़े जो है ना कत्लो गारत गरी और जेनोसाइड की गई दोनों तरफ से और खास तौर पे हमारी साइड से, क्योंकि क्लेम मुसलमानों का था, मुसलमान अलग हो रहे थे, ये अलग से लेना चाहते थे, तो हाँ ये जो था ये मुस्लिम हिंदू फसाद जो था ये हमारी तरफ से, जिन्होंने पाकिस्तान बनाना चाहते थे, ये उनकी तरफ से ये इस नफरत को, इस दुश्मनी को बेहद उसको ऊंचाई पर ले जाके और एक एक बहुत बड़ी खूनरेजी कराई गई जिसमें 1 करोड़ लोग फोर्स्ड माइग्रेट किए गए दोनों तरफ से, और 1 मिलियन लोग जो थे, जो पूरे पूरे खानदान भी हो सकते हैं, माएं बहनें बाप बेटे बच्चे सबका कत्लेआम हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि पार्टीशन हो जाती है, ठीक है, एक पाकिस्तान भी बन जाता है, इंडिया भी बन जाता है। अब इंडिया जो आपकी उस वक्त की जो इंडियन लीडरशिप है वो कहती है कि हम एक इंडिया जो है वो अब सेकुलर स्टेट होगा, ठीक है, और पाकिस्तान कहता है कि वो एक इस्लामिक स्टेट होगा, ठीक है। अब होता यह है कि आपका यहाँ जो ये सेकुलरिज्म जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, तो सेकुलरिज्म को मुसलमानों ने बड़े ही उसके गलत माने लिए। आप देखिए कि पहले तो ये जो जो है ना ये जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, मेरा ख्याल है आपके यहाँ इसको खास तौर पर मुसलमानों में इसको क्लियर होना चाहिए। आपको पता है कि हम पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में हम मुसलमान सेकुलरिज्म को ला दीनियत कहते हैं, ला दीन, नो दीन, अन इस्लामिक, ठीक है। अब हम इसको कुफर समझते हैं, पाकिस्तानी मुसलमान जो है वो इसलिए कुफर इसको समझता है कि यहाँ वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में मौजूद है, ठीक है। आपके यहाँ इंडिया का जो मुसलमान है उसने क्या किया कि उसने इस सेकुलरिज्म को अपने लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया, उसने यूं समझा कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि जो मैं जो चाहूं करूं अपनी लोकेलिटी में, अपनी आबादी में और अपनी जात में, और वह जो है इंडिया के बाकी रेस्ट ऑफ नेशन है उसके साथ इंटेग्रेट होने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो आपकी कांग्रेस ने भी, हुकूमतों ने भी यही किया कि उन उन माइनॉरिटी अपीजमेंट। माइनॉरिटी अपीसमेंट की गई, मुसलमानों की पेम्परिंग की गई, उनको वोट बैंक बनाया गया और उन्होंने जो चीज मांगी शरीयत के नाम पे उनको दे दी गई, ठीक है। अब ये कोई सेकुलरिज्म नहीं है। देखिए सेकुलरिज्म का मतलब जो जो वर्ल्ड ओवर है, जो डिक्शनरी के मानी है, वो ये है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आपका मजहब जो है ये एक पर्सनल मैटर है, जी ये पर्सनल मैटर है, ये मजहब आपका आपके घर में रहना चाहिए, इसका स्टेट के साथ, लॉ के साथ, एजुकेशन के साथ, सोसाइटी के साथ मजहब का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये था असल में सेकुलरिज्म का मतलब। जबकि आपके मुसलमानों ने इंडिया में
उन्होंने इसके बिल्कुल उलट इसके इसके माने बना लिए कि वो सेकुलरिज्म के नाम पे उन्होंने ने खुद को एक आजाद इंडिपेंडेंट और हम जो चाहे करें, और उसमें एक छोटी छोटी इस्लामिक स्टेट्स, अगर किसी गांव में ज्यादा है मुसलमान, किसी मोहल्ले में लोकेलिटी में ज्यादा है या किसी शहर में ज्यादा है, तो आपके यहाँ मुसलमानों ने कहा कि भाई हमें तो अपनी पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है हाँ, वो ग्रीन जी फ्लैग्स लगा देते हैं मुस्लिम मेजोरिटी लोकेलिटीज में, ये पता है मुझे। लेकिन आपका मैसेज क्या रहेगा कि अब ये जो ईदगाह की बात उठी है कि ईदगाह के नीचे कृष्ण जन्म स्थान है और वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडियन मुसलमान को कि वो इस चीज को कैसे, इस चीज पर रिएक्ट करे? अच्छा देखिए, वो तभी इसको रिएक्ट एक आज के दौर जो मॉडर्न एक अगर जिंदगी में उन्होंने जाना है, मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ अगर उन्होंने जाना है, तो वो जो है ये देखिए, ये इन चीजों मुसलमानों को, इंडियन मुसलमानों को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इन्होंने पीछे 800 साल, 1000 साल क्या हुआ हुआ है, उस तारीख को हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, तारीख को अंडू तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम एज ए बींग ए मुसलमान हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ था, ये इंडिया था, यहाँ टेम्पल्स थे, टेम्पल्स गिराए भी गए होंगे, उनकी जगह मस्जिदें भी बनाई गई होंगी, ये सिर्फ देखें, ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ या नहीं हो रहा, ये पूरी इंसानी हिस्ट्री में हुआ है। मैं इस साल मैं इजिप्ट में गया था, तो वहां वो जो अहराम मिस्र हैं वहां पे उन्होंने बताया कि उस दौर की जो 4-5 हज़ार साल पुरानी तहजीब के बाद जब वहां पे क्रिश्चियनिटी इजिप्ट में आई, तो उसने जी मुझे बताया कि वहां जो टेम्पल्स थे उनके ऊपर मार्किंग क्रिश्चियनिटी की ना, वहां पे मार्किंग वहां पे उसने मुझे दिखाई गाइड ने, यानी कि उन्होंने भी ब्लास्फेमी ये समझ के कि ये उस जमाने के ये बुत प्रस्त थे और आज क्रिश्चियनिटी आ गई है, तो उन्होंने वहां पे उन्हीं टेम्पलों के अंदर उन्होंने अपने जो है ना ये क्रिश्चियन लेकिन जो है क्या स्थान इजिप्ट के लोगों ने लिया। ये कहा कि चर्च को वहां से हटाकर तो इजिप्ट की जो अच्छा, टेंपल और है वो उसके हम बाद, बंद अच्छा नहीं उसके बाद देखिए, कहने का नहीं है, प्लीज बात को समझना चाहिए। उसके हैं? बाद क्या हुआ है कि जहां कहीं मुसलमानों को मौका मिला है, उन्होंने उन्हीं चर्च को उन्होंने मुसलमान बनाया है। ठीक है, तुर्की में ऐसा जी हुआ है ना। अब देखें, बात यह है कि आज के आपके हिंदुस्तानी मुसलमान को इस पे मेरा नहीं ख्याल कि इसको अनायड होना चाहिए या इसको ये समझना चाहिए कि ये कोई चीज जो है ये मुस्लिम दुश्मनी की वजह से हो रही है या इसमें मुस्लिम दुश्मनी का, ये देखिए, ये इंडिया जो इंडिया का जो हिंदू है, जो ओरिजिनल वहां का सन ऑफ साइल है, ठीक है ना, तो वो जो है वो अपनी इंडिया की 1000 साल के बाद अब उसके अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो उसकी अपने अपने हिंदुस्तान की वो ओनरशिप ले रहा है। आप मुसलमानों को ये चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करें, जिस तरह उन्होंने 800 साल इनके रूल को एक्सेप्ट किया था ना। ठीक है, ये 4 दिन के लिए, चंद साल ये के लिए ये चीज ये बर्दाश्त मुसलमान, इंडियन मुसलमान क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहा कि बिल्कुल, खुशी आई से थिंक किसी से बर्दाश्त मिले। करने से ही, मुझे वही लगता है सर, कि बर्दाश्त करने से ही जो है आगे चल के पीस के रास्ते खुलेंगे। जब दोनों को ये यकीन हो जाए कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं, हम दोनों सन्स ऑफ सॉइल से, बस हम में से कुछ जो है उन्होंने एक आउटसाइड का रिलीजन कबूल किया, लेकिन उसकी पूरी हमें इजाजत है, हमारी कंट्री में रिलीजियस फ्रीडम है, यहाँ का कोई हिंदू ऐसे नहीं कहता कि भाई यहाँ सिर्फ जो हिंदू है सिर्फ उसी को पासपोर्ट मिल सकता है या इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, ऐसा तो नहीं कहा जाता। हाँ, कुछ लोग अपीजमेंट के चक्कर में होते हैं, लेकिन आई थिंक एक इंडियन मुस्लिम को इस चीज से इंसल्ट फील नहीं होना चाहिए कि भाई कहीं पे मॉस गिराई गई जस्ट बिकॉज वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा है। मुझे लगता है कि इस चीज को हमें, अगर सेक्युलरिज्म को बढ़ावा अगर हम देना चाहते हैं, तो हमें भी पहल करनी चाहिए। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान को, देखें हिंदुस्तानी मुसलमान अगर 2-3 काम कर ले, तो ये आपके यहाँ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आज ही खत्म हो सकता है, इसको 1 मिनट नहीं लगता। एक तो ये है कि ये इनके ये सोच लें कि सेकुलरिज्म का मतलब जो है वो मजहब को अपनी पर्सनल जात तक, इंडिविजुअल जात तक रखना है या अपने घर पर ही रखना है,
ये जो इनका कहना कि कवानीन जो है, लॉज जो है सोसाइटी के, मुआशरे के, एजुकेशन जो है और कवानीन जो है मुल्क के, और सारे मुल्क को जो रन करना है वो मजहबी, इनकी अपीसमेंट के लिए मजहबी बुनियादों पर हो, इनको इंटेग्रेट होना पड़ेगा, इनको ये जो सेकुलरिज्म के जो हकीकी मानी हैं, और नंबर 2 इनको ये चाहिए कि ये पहले अपने आप को हिंदुस्तानी मुसलमान कहें, ये इंडियन नेशनलिस्ट बने, ये कहें कि पहले हम हिंदुस्तानी हैं बाद में मुसलमान। ये जी मुझे लगता ये है कि आपके यहाँ प्रॉब्लम ये है, ये जो मुसलमानों का, ये अभी तक यही कहते हैं कि हम पहले मुसलमान हैं बाद में हिंदुस्तानी हाँ हैं, और यहां से ये कॉन्फ्लिक्ट, ये कभी कॉन्फ्लिक्ट फिर खत्म नहीं होगा, जी ये बिल्कुल बोलते हैं ठीक है, इनको अब मान लेना चाहिए कि भाई अब वो पुराना बदमाशी का जमाना गया हमारा, खिलाफतों का और बादशाहतों का और सुल्तानों का वो जमाना गया, अब आप 14-15% हैं इंडिया के अंदर आप रहते हैं, और आज जो है आपने एक मॉडर्न और मॉडर्न तहजीब आ चुकी हुई है, और इंडिया जो है वो आज माशी डेवलपमेंट भी कर रहा है, वो बड़ी तेजी से आगे जा रहा है दुनिया में, उसको जो वर्ल्ड इकोनॉमिक अलीट है वो उसका मेंबर बनने जा रहा है, तो बिल्कुल। हिंदू तो हमें तो नेशनलिज्म फक्र होना चाहिए कि हम इस मुल्क को बिलोंग करते हैं, इस मुल्क को बनस्बत बुलंद इसके कि करता हम इसमें नुक्स निकालें, शिकायत करते रहें सेक्युलरिज्म के नाम पर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सेक्युलरिज्म जो है उसका बढ़ावा हमें खुद अपनी तरफ से करना चाहिए, और हमें अपनी तारीख नहीं भूलनी चाहिए, इतिहास नहीं भूलना चाहिए, जिसमें 800 साल इन पर जुल्म हुए, इन हिंदुओं पर, इन पर जजिया लगाया गया, इनकी मंदिरों को तोड़ा गया, लूटा गया, औरतों के साथ अजमत रेजी की गई। ये सारा कुछ जो दौर है जो इन पर बीता है, आज जब ये अपनी, जैसे आपने कहा, अपने हिंदुस्तान को क्लेम करना चाहते हैं, हमारा भी हिंदुस्तान है, राम जी जितने उनके उतने हमारे भी हैं, कृष्ण भगवान जितने उनके उतने हमारे भी, क्योंकि हम भी इसी धरती पर हैं। तो इस चीज को हर मुसलमान को समझना चाहिए। एंड सर, आपकी बातों से मतलब आंखों में आंसू आ रहे हैं कि आप इतना समझते हो वहां पर रहकर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये खूबसूरत इंटरव्यू देखकर मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के मुसलमान भी इसी तरह की सोच रखना शुरू करें, ताकि मेरे कंट्री में जो है पीस और एक अमन और शांति की राहत मिले हर किसी को, आने वाले बिल्कुल जनरेशन को खास करके। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। एंड व्यूअर्स, आई होप आपको ये शो पसंद आया होगा। ये इस सीजन का आखिरी एपिसोड था, अगले सीजन में फिर मिलेंगे। जुड़िए रहिए हमारे साथ रियल एशिया टीवी पर।